नमस्कार दृष्टि आई के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शुड अलार्म अस ऑल सेज रघुराम राजन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एन एक्सपर्ट एक्सप्रेंस डिकोडिंग जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर थ्री के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आई एस इंग्लिश भारतीय अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक समय विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कही जाने लगी थी इस समय सबसे बुरे हालातों से जूझ रही है हालांकि बीते कुछ सालों से भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन इस साल जारी किए गए एन के आंकड़े इस गिरावट की तस्वीर के और भी ज्यादा डरावने होने की तस्दीक करते हैं एन के आंकड़े बताते हैं कि 2020 की दो की अप्रैल ऐसी जून की तिमाही में भारत की जीडीपी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले तेईस दशमलव नौ फीसदी सिकुड़ गई है यानी इसमें कॉन्ट्रेक्शन देखा गया है वित्त मंत्रालय का कहना है कि अर्थव्यवस्था की यह स्थिति कोविड नाइन्टीन के चलते लगाए गए लॉकडाउन और इसके चलते आर्थिक गतिविधियों के ठप हो जाने के कारण हुई है जबकि कई विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों ने इसके पीछे सरकार की गलत नीतियों और फैसलों को भी जिम्मेदार ठहराया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की यह स्थिति सभी के लिए चिंता देने वाली है इस स्थिति से उबरने के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं को सही नीतियों के साथ जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है ऐसे में जानना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एन द्वारा जारी किए गए आधिकारिक डेटा के मुताबिक भारत की जी में दो के अप्रैल से जून की तिमाही में तेईस दशमलव नौ फीसदी की कमी आना कम से कम चार दशकों में देश के लिए आर्थिक कॉन्ट्रेक्शन का पहला उदाहरण है इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस दौरान देश की जीडीपी बढ़ने की बजाय तेईस दशमलव नौ फीसदी माइनस में चली गई है यानी जी से इतना हिस्सा कम हो गया है इसके अलावा देश के सकल मूल्य वर्धन यानी जी जिसे हम ग्रॉस वैल्यूड एडिशन भी कहते हैं उसमें 22.8 फीसदी की गिरावट आई है जबकि विनिर्माण में उनतालीस फीसदी खनन में तेईस फीसदी और होटल्स में सैतालीस फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है इसके अलावा ग्रॉस फिस्ट कैपिटल फॉर्मेशन यानी जी में बावन दशमलव नौ फीसदी इलेक्ट्रिसिटी में सात फीसदी और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में पचास दशमलव तीन फीसदी की कमी देखी गई है गौरतलब है कि केवल कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में ही इस तिमाही के लिए तीन दशमलव चार फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है लेकिन हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि यह निराशाजनक स्थिति केवल भारत के लिए ही नहीं है केवल चीन को छोड़कर विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इस दौरान गिरावट देखने को मिली है ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था में नौ दशमलव एक फीसदी यूके की अर्थव्यवस्था में इक्कीस दशमलव सात फीसदी फ्रांस की अर्थव्यवस्था में अठारह दशमलव नौ फीसदी और स्पेन की अर्थव्यवस्था में बाईस दशमलव एक फीसदी का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है तो वहीं इटली और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्रमशः सत्रह दशमलव सात फीसदी और ग्यारह दशमलव तीन फीसदी का कॉन्ट्रेक्शन देखने को तो मिला है बहरहाल इन आंकड़ों में सबसे बुरी स्थिति भारत की है और जी ट्वेंटी देशों में भी भारत सबसे निचले पायदान पर है ऐसे में समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आई इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण कौन से हैं और इससे किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था एक खपत आधारित अर्थव्यवस्था है ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आपूर्ति और मांग दोनों को दोहरा झटका लगा है इस दौरान जहां व्यापारियों को अपने कामकाज बंद करने पड़े तो वहीं उपभोक्ताओं को अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा इस कठोर लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हो गईं और अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 24 फीसदी तक सिकुड़ गई, यानी शून्य से नीचे चली गई। इसके चलते देश के कई प्रमुख सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली जिसका सीधा असर देश की उत्पादकता कारोबार रोजगार के अवसर निवेश और सेवाओं पर पड़ा है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मई 2020 में आकलन कर चेतावनी दी थी कि यदि इस वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर दो फीसदी भी रहती है तो भी देश की अर्थव्यवस्था से लगभग चार फीसदी हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा लेकिन वर्तमान आंकड़ों में देखते हैं तो फिच रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग दस दशमलव पाँच फीसदी का कॉन्ट्रेक्शन का अनुमान लगाया है इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग पंद्रह लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उत्पादक गतिविधियों का नुकसान होगा इसमें स्कूल परिवहन पर्यटन मनोरंजन होटल्स रेस्टोरेंट्स और निर्माण जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों का रोजगार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इसके अलावा हमारी जीडीपी का चालीस फीसदी हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित है जिसका वार्षिक आधार पर कोई वास्तविक डेटा उपलब्ध नहीं इसलिए अनुमान के मुताबिक अनौपचारिक क्षेत्र जुड़े लाखों कामगार लॉकडाउन के दौरान उत्पादक गतिविधियों को छोड़कर अपने घरों और गांवों को लौट गए इसी तरह ऐसे उद्योग और व्यवसाय जिन्होंने बैंकों से ऋण लिए हुए थे वे भी अपने ऋणों को समय पर चुकाने में सक्षम नहीं होंगे जिससे बैंकों की बैलेंस शीट खराब होगी इसके अलावा बेरोजगारी का व्यापक प्रभाव बाजार के उपभोग और उससे जुड़ी सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है कुल मिलाकर देखें तो इस दौरान अर्थव्यवस्था में व्यापार का चक्रीय प्रवाह बुरी तरह से बिगड़ गया है जिसका असर लगभग सभी क्षेत्रों पर और लोगों के जीवन पर पड़ेगा ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय अपनाने होंगे और इसे फिर से महामारी के पहले की स्थिति में लाने के लिए एक कुशल रणनीति की जरूरत होगी तो आइए जानते हैं कि सरकारें इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ विकल्प अपना रही है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सरकारी रिस्पॉन्सेंसी इंडेक्स का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आया कॉन्ट्रैक्शन भारत द्वारा लगाए गए सबसे कठोर लॉकडाउन का रिजल्ट है और भारत आने वाले समय में इसमें एक तेज वी आकार की रिकवरी की उम्मीद कर रहा है यानी सरकार का मानना है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट जाएगी मंत्रालय ने अपने दावों की पुष्टि के लिए ऑटो सेल्स ट्रैक्टर और उर्वरकों की बिक्री रेलवे माल ढुलाई इस्पात की खपत और उत्पादन सीमेंट उत्पादन बिजली की खपत ई वे बिल जीएसटी राजस्व संग्रह राजमार्गों पर दैनिक टोल संग्रह खुदरा वित्तीय लेनदेन सहित विनिर्माण आय कोर उद्योगों के प्रदर्शन पूंजी प्रवाह और निर्यात जैसे कई संकेतकों में सुधार का उल्लेख किया है वित्त मंत्रालय ने नवीनतम आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि कृषि क्षेत्र ने देश में आर्थिक गतिविधियों के विकास में तेजी लाई है और जुलाई में औद्योगिक उत्पादन आठ प्रमुख उद्योगों के साथ रिकवरी के संकेत दिखा रहा है मंत्रालय ने उम्मीद जताई थी कि अगस्त में ग्रामीण मांग मजबूत हो सकती है इसके अलावा मंत्रालय का कहना है कि घरेलू क्षेत्र में केंद्र सरकार के बढ़ते उपभोग खर्च ने जीडीपी वृद्धि के लिए घरेलू मांग को बढ़ाया है साथ ही ईयर ओवर ईयर बेसिस पर जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है और इसमें मई 2020 में आई अड़तीस फीसदी की गिरावट अगस्त 2020 में घटकर कर ग्यारह दशमलव नौ फीसदी ही रह गई है लेकिन सरकार द्वारा किए जाने वाली इस खर्च और वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए इन आंकड़ों के बावजूद आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के द्वारा किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए पर्याप्त नहीं होगा ऐसे में समझते हैं कि आर्थिक विश्लेषक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस तिमाही में आई गिरावट को लेकर क्या नजरिया रखते हैं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की लगभग छब्बीस फीसदी घरेलू डिमांड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी यानी इसका सीधा असर लोगों की परचेजिंग पावर पर पड़ेगा ऐसे में सरकार को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिमांड को बढ़ाना होगा इसकी अगली कड़ी भी डिमांड से ही जुड़ती है यानी मांग कम होने से आपूर्ति भी प्रभावित होगी जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने से ज्यादा मुश्किल उत्पादन बढ़ाना होगा इसके अलावा जीडीपी डी कॉन्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु उत्तर प्रदेश गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में दिखने को मिलेगा जहां पूरे भारत में इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में सत्ताईस हजार रुपये की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है वहीं इन बड़े राज्यों के लिए यह अनुमान लगभग चालीस हजार रुपये की गिरावट तक जाता है विश्लेषक मानते हैं कि इस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उबारने के लिए कर्ज ले सकती हैं या रिजर्व बैंक से ज़्यादा करेंसी छापने के लिए कह सकती हैं लेकिन अगर सरकार आरबीआई से अतिरिक्त मुद्रा छपवाकर अर्थव्यवस्था में डालती है तो इससे महंगाई के साथ साथ रुपए पर दबाव बढ़ सकता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए आर्थिक टिप्पणीकारों का मानना है कि इसमें दिखाई देने वाली ग्रोथ रेट को लेकर बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर माइग्रेंट्स का दबाव दिखाई देने लगेगा और क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन के साथ साथ शहरों से भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर आधारित होती है ऐसे में लाखों कामगारों और श्रमिकों के गांव लौट जाने से इस रेमिटेंस में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में गिरावट के साथ बढ़ती बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी ऐसे में जानना जरूरी है कि आगे की राह क्या हो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कॉन्ट्रैक्शन इसलिए खराब होता है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के चक्र को बुरी तरह प्रभावित करता है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को अप्रत्याशित और अलार्मिंग कहा है ऐसे में उनका मानना है कि सरकार को इस स्थिति में अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए और जहां तक संभव हो लोगों के हाथ में काम के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से पैसा पहुंचना चाहिए ताकि घरेलू मांग को बढ़ाया जा सके इसके लिए एक उपाय मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं को बढ़ावा देते हुए उन्हें शहरों और महानगरों से जोड़ना हो सकता है इसी तरह अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र ज्यादातर निर्माण परिवहन और रिटेल जैसे सेक्टर्स में रोजगार प्राप्त करता है और सबसे ज्यादा गिरावट भी इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिली है ऐसे में सरकार को इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक नीतियां बनानी होंगी और नई योजनाएं लानी होंगी ताकि इन क्षेत्रों से जुड़े स्टील सीमेंट और हार्डवेयर जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके साथ ही रोजगार का सृजन भी हो सके इसके अलावा रघुराम राजन का मानना है कि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से व्यापारिक गतिविधियां शुरू होंगी और वैश्विक बाजार में मांग बढ़ेगी ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह निर्यातकों और निर्यात आधारित गतिविधियों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ निर्यात आधारित मांग बनाई जा सके एशिया प्रशांत स्ट्रेटजी के सह प्रमुख और प्रबंध निदेशक नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि सरकारों को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट संभालने के लिए बड़े स्तर पर अध्ययन कराने की आवश्यकता है और सरकारों को इस स्थिति से निपटने के लिए बेतरतीब तरीके से लगाए जा रहे लॉकडाउन और अनुपयोगी प्रशासनिक उपाय करने से बचना चाहिए राज्य सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थानों पर लॉकडाउन को हटा सकती हैं और उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं जैसे गोवा केरल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा रोल है ऐसे में ये राज्य जरूरी उपायों को अपनाते हुए पर्यटन के लिए नई नीतियाँ बना सकते हैं और इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं इसी तरह उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके अलावा केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करे इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए जीएसटी की दरों में बदलाव पर विचार कर सकती है और करदाताओं को कुछ रियायतें दे सकती है इसके अलावा रिजर्व बैंक कामत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बैंकों के लिए ऋणों का पुनर्गठन कर सकता है जिससे कारोबारियों को कुछ राहत मिल सके और वे अपने व्यापार और उत्पादन को फिर से बेहतर कर सकें सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करे और काम की तलाश में वापस शहरों की ओर आने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करके उन्हें काम के मौके उपलब्ध कराए चूँकि इस बार का आर्थिक कॉन्ट्रैक्शन पूरे विश्व के लिए चुनौती भरा है ऐसे में हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हम इस आर्थिक गहराई से बाहर निकलकर फिर से सकारात्मक ग्रोथ की ओर बढ़ सकें तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के दौरान आई गिरावट का विश्लेषण कीजिए साथ ही बताइए कि इस स्थिति से बाहर आने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं